Hey guys, welcome back to my channel Glam with Jala. So आज की वीडियो में ना मैं आपको बहुत सारे आउटफिट दिखाने वाली हूँ फॉर नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, जिसमें भी आपको लेना हो ना. लाइक वेडिंग सीजन भी स्टार्ट होने वाली, हमारे यहाँ तो 15 के बाद ही स्टार्ट हो रही है. आपके यहाँ कब से स्टार्ट हो रही है मुझे कमेंट करके बता देना. तो हमारे यहाँ ना 15 के बाद वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाली है एंड मैं ना वेडिंग से रिलेटेड भी बहुत कुछ लेकर आई हूँ. लेदर की सीजन आने वाली है तो वेलवेट भी बहुत ज़्यादा इन होने वाला है. तो मैंने ना सोचा पहले ही आपको दिखा दूँ कुछ वेलवेट रिलेटेड आउटफिट जो अभी न्यू आ रहा है. तो स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट आउटफिट से. ये आप देखो, ये वेलवेट की सूट है. मुझे नहीं लगा था कि ये सेम आ पाएगी, तो मैं आपको बता दूं टू माय सरप्राइज बहुत ही सुंदर आई है. ये आप देख सकते हो मरून कलर का है एंड इसमें ना पास से वर्क देख लो, कितना प्यारा वर्क है. जड़ी एंड सीक्वेंस का वर्क है और ये आप देख सकते हो 3/4 स्लीव्स है. इस पर भी आपको वर्क मिलता है फ्रंट एंड बैक दोनों में ही. और ये आप देख सकते हो पूरे सूट पर वर्क है. इसमें मैंने साइज़ आई थिंक एल ही लिया होगा, इसमें दिख नहीं रही है साइज़. और ये आप देखो बैक साइड पूरी प्लेन है. और इसमें ना आपको साइड स्लिट भी मिल जाती है, ये आप देख सकते हो साइड स्लिट है. एंड इसमें आपको इनर का भी फैब्रिक दिया गया है एंड साथ में इंटरलॉकिंग भी है, ये आप देख सकते हो इंटरलॉकिंग. सी एक काम करती हूँ, पूरा ऐसे करके ही दिखा देती हूँ. ये आप देखो इंटरलॉकिंग भी है इसमें, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी. और ये हो गई कुर्ती. अब इसके साथ जो आई है वो भी दिखा देती हूँ. और बॉटम है जो अलग पैकेट में आई थी तो वो भी दिखा दूँ आपको. अभी बहुत ज़्यादा इन है एंड जैसे ही दुर्गा पूजा ख़त्म होगा ना, मुझे पता है वेलवेट पे ना ऐसे आग लगने वाली है ना, मैं क्या बताऊँ. वेलवेट की आउटफिट आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर मीशो पे भी देखने को मिलेंगे. अभी तो है ही, लेकिन सीज़न जब नया आएगा ना, न्यू अराइवल में और भी सुंदर सुंदर आउटफिट आएंगे. ये है इसकी बॉटम, सेम कलर में है. और ये आप देखो सी, यहाँ आपको सीक्वेंस एंड जड़ी का वर्क मिलता है बॉटम में, फ्रंट एंड बैक दोनों में ही, ये आप देख सकते हो. एंड इसकी जो इलास्टिक है ना काफ़ी स्ट्रेचेबल है. सी एंड इसमें इंटरलॉकिंग वगैरह सब आपको मिल जाती है. और इसमें इनर का फैब्रिक नहीं है, बस सूट में आपको इनर का फैब्रिक मिलता है, बॉटम में इनर का फैब्रिक नहीं मिलता है. एंड इसके साथ जो दुपट्टा है ना, ये नेट फैब्रिक में है, ये कुछ इस तरह का है. इसमें साइड में आप देखो बॉर्डर पे ना सीक्वेंस एंड जड़ी का वर्क मिलता है आपको. और 2.5 मीटर लेंथ है इसकी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी. ये आप देखो सी, बहुत ज़्यादा सुंदर है. एंड बीच बीच में आप देखोगे ना पर्ल के भी वर्क है, तो मैं आपको ना पहन के दिखा दूंगी. साइड में आप देख लेना, आपको जैसी भी लगे मुझे बता देना कमेंट करके. आपको जैसी भी लगे, अच्छी लगे तो ही लेना, और नहीं तो लेकर देख सकते हो. अगर आपको सही आती है तो ले लेना. और आई थिंक इसमें सारे साइज़ अवेलेबल थे, तो अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है. आउटफिट ये वाली है और ये भी बहुत सुंदर आउटफिट है. मैं आप देख सकते हो क्रॉप टॉप, बॉटम और दुपट्टे का सेट है, जिसमें क्रॉप टॉप बहुत सुंदर आई है. आप देख सकते हो लाइट ग्रीन कलर में, एंड इसके ऊपर ना काफ़ी अच्छे वर्क है. नीचे लटकन भी आपको मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो लेस है मोती वाले. और बैक साइड इसकी जो है ना, ये कुछ इस तरह की है. और ये ना एक्सेल साइज़ में रिसीव हुई है मुझे, बट इसमें ना मैंने देखा था कि एल एम सारे साइज अवेलेबल थे, बट पता नहीं क्यों मुझे एक्सेल में रिसीव हुई है. तो बैक साइड आप देख लो, इसमें ना इनर का भी फैब्रिक है, काफ़ी सुंदर है. इंडो वेस्टर्न आउटफिट है, तो आप इंटरलॉकिंग वगैरह मिल जाती है, बट ये अल्टरेबल है. आप चाहो तो अपने साइज में ना इसको कन्वर्ट करवा सकते हो. इसके साथ मुझे रिसीव हुई है सी प्लाजो, बहुत ही फ्लेयरी प्लाजो है. आप फ्लेयर देखो इसकी, बहुत ज़्यादा है सी. और इसमें ना आपको फ्रंट में आप देखो कुछ इस तरह का वर्क मिल जाता है, और बैक साइड में ना इलास्टिक मिल जाती है जो बहुत ही अच्छी है. और इसमें इंटरलॉकिंग वगैरह हो रखी है, जो अंदर की साइड वाली सिलाई बताती हूँ ना वो वाली सिलाई हो रखी है इसमें. एंड इसमें ना इनर का फैब्रिक भी दिया गया है, सुंदर लगी, हाईली रिकमेंड करूँगी. इसकी कमर पे जो वर्क है ना वो भी आप पास से देख लो, धागे का वर्क है, जड़ी एंड सीक्वेंस का वर्क है, ठीक है. तो ये बहुत सुंदर लगेगी. तो दुपट्टा जो है ना गाइज, ये स्टिच आई है, और इसमें भी आप देखो इस तरह के लटकन मिल जाएंगे एंड जड़ी एंड सीक्वेंस का वर्क मिलता है. और दुपट्टे को आपको इस तरह से रखना है. मेरी कॉलर है ना तो आ नहीं रही है. और ये आप देखो कुछ इतना सा आपको आएगा, ठीक है. मैं आपको पहन के दिखा दूंगी इसको भी साइड.
साइड करते हैं, इसको भी नेक्स्ट आउटफिट दिखाती हूँ आप। ये है नेक्स्ट आउटफिट एंड ये बहुत सुंदर सी एक अनारकली है, बहुत पसंद आएगी आपको। और मैं आपको बता दूँ, मैंने ना इसको पिंक कलर में दिखा रखा है, बस इसीलिए मैं थोड़ी सी हो रही थी कि दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ, बट ये इतना सुंदर लग रहा था ना कि आप समझते हो ना, रेड मेरी कमजोरी है, मैं देखती हूँ ना तो मुझे थोड़ा होता है कि नहीं लेकर देख लेते हैं कैसी आती है। तो ये आप देखो कुछ इस तरह की आउटफिट है, ये सेम है यार जो मैंने पिंक दिखाया था ना वही, अगर आपको अच्छा लगे तो पिंक लेना नहीं तो रेड ले लेना। तो ये आप देखो कुछ इस तरह की सूट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसमें देखो कितना प्यारा वर्क है, डिज़ाइन भी ना नेक लाइन पर बहुत ज़्यादा सुंदर है, इस पर काफ़ी अच्छे वर्क है और जड़ी एंड सीक्वेंस के। ये आप देखो 3/4 स्लीव्स है, इस पर भी पूरा आपको वर्क मिलता है फ्रंट एंड बैक दोनों में ही, जॉर्जेट फैब्रिक है इसलिए इनर में ना इनर की फैब्रिक नहीं है, और बैक साइड इसकी देखोगे ना आप प्लेन है, ठीक है, बट नीचे आपको वर्क मिल जाता है सी कुछ इस तरह का। और ये आप देखो, ये आप देखो कितना प्यारा वर्क है पूरे बॉटम में सी, और ये ना बस फ्रंट में नहीं है, ठीक है मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, ये हो गई नीचे की वर्क, और ये आप देखो बैक बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे सीरियसली बताओ पिंक वाले से सुंदर रेड लग रही है। अगर आपने पिंक नहीं लिया है ना तो रेड वाला ज़रूर लेना, करवा चौथ वगैरह आ रही है बहुत सुंदर लगे, अभी मीशो पे ना रेड में इतने सुंदर सुंदर आउटफिट आ रखे हैं ना मैं क्या बताऊँ, करवा चौथ को ध्यान में रख के शायद सेलर ने बहुत सारे रेड आउटफिट निकाले हैं, एंड मैं आपको बता दूँ मेरे पास अभी वो सारे रेड आउटफिट है, लेकिन अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखा पाऊँगी ना सारे रेड, में एक में तो नहीं डाल सकती। तो ये आप देखो जॉर्जेट फैब्रिक में है, ये इनर की फैब्रिक है, एंड इसमें ना इंटरलॉकिंग चेक कर लेते हैं, और ये आप देखो बॉटम में आपको इस तरह का एक्स्ट्रा कपड़ा मिलता है हेवीनेस के लिए, और ये आप देखो इंटरलॉकिंग में भी आपको दिख रही होगी, तो इंटरलॉकिंग भी हो रखी है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। अब मैं ना इसकी दुपट्टा दिखा देती हूँ आपको, ये आप देखो नेट की दुपट्टा है, 2.5 मीटर लेंथ है, एंड इस पर काफ़ी अच्छा वर्क हो रखा है, बहुत सुंदर है, एंड ये आप देखो गोल्डन लेस लगी हुई है, पास से देख सकते हो आप गोल्डन लेस है, एंड गोल्डन पर्ल भी आपको मिल जाती है। 2.5 मीटर लेंथ नहीं है इसकी, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ना 2 मीटर ही है सी, ये 2 मीटर की ही है, तो आपको अच्छी लगे तो आप ले लेना, नहीं लगे तो मत लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैंने पिंक वाला भी दिखाया, मैंने रेड वाला भी दिखाया, मुझे पिंक वाली से ज़्यादा अच्छी रेड वाली लग रही है, और क्वालिटी और कपड़ा दोनों का सेम है। वो आप देखो कुछ इस तरह की पैंट है, काफ़ी अच्छी इलास्टिक है इसकी भी, और क्रेप मटेरियल में है, इंटरलॉकिंग वगैरह सब हो रखी है, तो आपको अच्छी लगे ना तो आप ले लेना। आज मैं खड़े होके बना रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट कुछ वीडियो में आपने देखा होगा ना, मैं दूसरी साइड से बना रही थी, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इतना निगेटिव सा लग रहा था ना मैं क्या बताऊँ, और ये वाली साइड ना मुझे ज़्यादा सही लगती है, ज़्यादा वाइड मुझे मिलता है, तो मैं ना ऐसे वॉक करके आपको दिखाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से दिखा पा रही हूँ आपको। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको वैसा पसंद है कि मैं एक जगह बैठ के आराम से ऐसे ऐसे करके दिखाती रहूँ, तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ, उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन ऐसे वॉक करके मैं दिखा रही हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा क्लियर आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि लास्ट कुछ वीडियो से ना मैं सुन रही हूँ कि बहुत महंगे कपड़े आप दिखाते हो, बट आपको ना अच्छे से दिखाना चाहिए, जो मुझे बहुत सही लगी, ये एक बहुत अच्छी पॉइंट लगी मुझे कि सही बात है कि मैं महंगे कपड़े दिखाती हूँ, तो आप लोग खरीदने से पहले ना आपका सारा एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, और मेरे साइड से अगर कोई पॉइंट रह जाती है ना तो ये मेरी कमी है, आप मुझे ऐसे ही बताया करो तो मैं सोचूंगी किस तरह से मैं इम्प्रूव करूँ अपनी वीडियो में इसको, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, और हो सका ना तो मैं पहन के भी दिखा दूँगी, ठीक है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये है नेक्स्ट आउटफिट, ये बहुत ही ट्रेंडी आउटफिट थी, अभी जस्ट मीशो पे आई थी एंड जस्ट मैंने ऑर्डर कर दिया। मैं आपको बताऊँ, मैं पूरे दिन ना मीशो ओपन करके ही बैठी रहती हूँ, मेरे पास ना अगर कोई कॉल भी आता है, लाइक मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ या किसी से भी बात कर रही हूँ, तो मैं ना मीशो स्क्रॉल करती रहती हूँ और बातें करती रहती हूँ, मेरा मीशो कभी बंद नहीं होता, मैं एनी टाइम मीशो पे रहती हूँ, या तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ या फिर मैं मीशो स्क्रॉल करती हूँ, ये दो ही काम होता है। पहले मुझे ना बहुत इरिटेटिंग लगता था, दिन भर शॉपिंग करो फिर वीडियो बनाओ ये करो वो करो, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन अब मुझे मज़ा आता है क्योंकि अब ना मीशो पे ऐसा नहीं कि कपड़े आउट ऑफ स्टॉक हो गए मतलब गए, ऐसे कुछ ही मतलब गिने चुने प्रोडक्ट ही होते हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो चले गए,
मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट है ना वो रहते हैं दूसरे दूसरे सेलर्स के पास, तो मुझे ना मज़ा आता है मीशो पे काम करने में, आई मीन कपड़े सर्च करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये आप देखो, ये मैंने कौन सी साइज, अच्छा ये एक्सेल साइज है गाइज, ये ना आप देखो नियॉन एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, सी ये कुछ इस तरह का, इस पर काफ़ी अच्छे वर्क है, आप देखोगे ना धागे का वर्क है एंड जड़ी एंड सीक्वेंस का है, फुल स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी वर्क है सीक्वेंस एंड जड़ी का, जॉर्जेट फैब्रिक है इसलिए इनर का फैब्रिक इसमें नहीं मिलता है आपको दोनों ही साइड में बाजू में, बस आपको बॉडी में इनर का फैब्रिक मिलेगा, बट आपको बॉडी में ना वर्क दिखा दूँ अच्छे से। ये आप देखो फ्रंट स्लिट है एंड यहाँ पे वर्क है, ठीक है, और दूसरी साइड भी यहाँ पे वर्क है, और उल्टा करके मैं दिखा देती हूँ आपको, ये आप देखो ये उल्टी साइड हो गई, साइड हो गई सूट की, और इस पर ना आप देखो फ्रंट में भी सिलाई है और साइड में भी आपको इंटरलॉकिंग मिल जाती है, ये आप देख सकते हो, एंड ये आप देखो यहाँ आपको इनर का फैब्रिक नहीं है, बस फ्रंट और बैक में बॉडी में आपको इनर का फैब्रिक मिल जाता है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी और बिल्कुल न्यू अराइवल है एकदम, मुझे लगता है इस पर आपको कोई भी रिव्यू देखने को नहीं मिलेगी, तो मेरी जो लिंक है ना जो मैं दे रही हूँ उसी से लेना, ठीक है, किसी और का मत ले लेना क्योंकि मुझे नहीं पता कोई और कैसा सेल कर रहा है, मुझे बस इस सेलर का पता है, ठीक है। तो बॉटम में ना सरारा है, ये आप देखो कुछ इस तरह का सरारा है, और इस पर ना काफ़ी अच्छे वर्क है जड़ी एंड सीक्वेंस के फ्रंट एंड बैक दोनों में, सी ये फ्रंट हो गई ये बैक हो गई, सेम वर्क है, और ये भी ना डबल टोन में है, और इसकी इलास्टिक दिखा दूँ आपको, सी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, ये आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल इलास्टिक है, इसको भी ना मैं उल्टा करके दिखा देती हूँ आपको, सी इसमें आपको पूरा फुल लेंथ तक इनर का फैब्रिक मिलता है, बस बॉटम में यहाँ पे इनर का फैब्रिक नहीं मिलेगा, आपको यहाँ तक इनर का फैब्रिक मिल जाता है, और इसमें ना इंटरलॉकिंग जो है ना ये आप देख सकते हो जो अंदर की साइड में होती है ना, पता नहीं यार इसको कौन सा स्टिचिंग बोलते हैं, मुझे ना प्लीज़ बताओ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने लास्ट कुछ वीडियो में बोला था बट लगता है लोगों ने देखा ही नहीं, तो प्लीज़ मुझे बताओ ये कैसी स्टिचिंग होती है जो अंदर की साइड में होती है, मुझे नहीं आइडिया है इसका, तो ये हो गई। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये ना पता है सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ ना कमर पे उल्टी साइड में आप देखो सीक्वेंस एंड जड़ी का काम है, बट ये बिल्कुल भी लग नहीं रहा, ठीक है, मैं अपने हाथों पे भी रब करके देख रही हूँ ये बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी, और इसकी ना साइड से आप देखो साइड से इंटरलॉकिंग है, ये आप देख सकते हो साइड अच्छी लगी। इसकी दुपट्टा देख लेते हैं, दुपट्टा बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का है, सी कुछ इस तरह का दुपट्टा है, इस पर भी आपको सेम ही वर्क मिलेंगे, सी जड़ी एंड सीक्वेंस के, बट इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, 2 मीटर इसकी लेंथ है एंड विड्थ आप देखो इतनी सी है, ठीक है। तो ये है दुपट्टा, कैसी लगी मुझे आप बता देना, मैं आपको ऐसे पहन के भी दिखा दूंगी, और क्या देखना चाहते हो ना प्लीज़ मुझे बताओ, मैं ना रैंडम फाइंड्स दिखा रही हूँ तो आप लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे भी दिखाना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सच बता रही हूँ, और बस आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो उसमें, और क्या क्या देखना चाहते हो, लाइक रैंडमली मैं कुछ भी दिखा दूँ या फिर किचन रिलेटेड या होम डेकोर रिलेटेड ही दिखाऊँ, ये मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वीक में ना एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी, मुझे खुद बहुत पसंद है यार, उसमें कम से कम कपड़ा तो नहीं पहनना पड़ता सच बता रही हूँ, बहुत मेहनत लगती, अब इतने सारे कपड़े मैं दिखा तो रही हूँ लेकिन सबको पहनना आपको समझ में आता है बहुत मुश्किल है। ये आप देखो नेक्स्ट है ये वाली सूट, और ये ना मैंने थोड़ा सा नॉर्मल ही रखा है क्योंकि अभी तक तो सारे पार्टी वियर थे, सी क्योंकि देखो अभी तक तो सारे ही पार्टी वियर थे, सब कुछ पार्टी वियर ही दिखा दिया मैंने, थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए ना, लाइक बहुत से लोग हैं ना जिनके घर में शादी नहीं होगी या फिर फेस्टिवल्स में ऑलरेडी ले लिया होगा या पुराने कपड़े ही रिपीट कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं दिखा देती हूँ, जो नॉर्मल कपड़े डे टू डे लाइफ के लिए लेना चाहते हों या फिर कॉलेज ऑफिस के लिए लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, ऑफिस के लिए बेस्ट रहेगी ये, सी कुछ इस तरह की अनारकली है कॉटन फेब्रिक में, प्योर कॉटन फैब्रिक है गाइस, एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन ना बहुत सुंदर है, इसकी प्रिंट्स भी बहुत अच्छी है, एंड ये आप देखो जहाँ जहाँ पे सिलाई है ना वहाँ पे आपको मरून कलर का लेस मिल जाता है, बहुत प्यारा है गाइस, और इसमें ना इनर की फैब्रिक आई थिंक नहीं है, हाँ इनर की फैब्रिक नहीं क्योंकि कॉटन है ना यार, इसमें क्या इनर की फैब्रिक, ये आप देखो इंटरलॉकिंग है, मे बी आपको क्लियरली ना दिखे बट इसमें इंटरलॉकिंग दी गई, जहाँ भी स्टिचिंग है ना हर जगह पे इंटरलॉकिंग है, एंड इसके साथ मुझे रिसीव हुई है पैंट, इसके साथ आप देख सकते हो मुझे इस तरह की पैंट रिसीव हुई है, और इसमें ना फ्रंट में इलास्टिक नहीं है,
बैक में इलास्टिक है, ठीक है, और इसमें आपको इंटरलॉकिंग भी मिल जाती है जो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ दुपट्टा है, इसके साथ है दुपट्टा, सी कुछ इस तरह का दुपट्टा आपको मिलता है। इस पे ना एलिफेंट वाले प्रिंट है, ठीक है, एलिफेंट भी नहीं है, पता नहीं गाय है कुछ प्लांट वगैरह ऐसे प्रिंट है। ये आप देखो क्रिसमस ट्री है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे ऐसे केले का पेड़ है, घर है, इस तरह की वर्ल्डली पेंटिंग टाइप की है, देख लो बहुत ज़्यादा सुंदर। आपको पता है मुझे ना पेंटिंग्स वगैरह, स्केचिंग वगैरह इन सब का भी बहुत शौक था, मैंने किया भी हुआ है, मैंने अपनी खुद की भी फ़ोटो बनाई हुई है, अगर आप बोलोगे ना तो मैं दिखाऊंगी, मैं बहुत अच्छा स्केच करती हूँ। बस ये कि मेरी थोड़ी सी ना हैबिट ख़त्म हो गई है, लाइक पहले बहुत करती थी, छूट चुकी है, लेकिन मैं पहले बहुत स्केचिंग करती थी। मुझे ना एनाटॉमी वगैरह का ना बहुत नॉलेज है, डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया हुआ है, मुझे स्केचिंग का इतना नॉलेज है ना, मैं अपनी पिक्चर ना हूबहू बना देती, अगर कभी आप बोलोगे तो मैं अपनी वो वाली ना ड्राइंग बुक्स निकालूंगी, बुक्स नहीं मेरी कॉपी होती थी इतनी मोटी मोटी, मुझे ना बहुत शौक था ड्राइंग करने का, कभी आप बोलोगे ना तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये आप देखो इस तरह का ब्लैक कलर का एक सूट है जो बहुत ही प्यारा है, प्योर कॉटन फेब्रिक में, ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर ना फेक मिरर एंड धागे का वर्क है एंड डिज़ाइन बहुत प्यारा है। और यहाँ आप देखो साइड में इस तरह का वर्क है, मुझे क्या लग रहा था ये रियल मिरर ही है, पास से आप अच्छे से देख लो, ठीक है, मेरी शक्ल दिखे ना दिखे कपड़े अच्छे से दिखने चाहिए, आई होप आपको दिख रही होगी सी। और इसकी बाजू देखो आप, बाजू पे ना इस तरह का वर्क है, बहुत ही प्यारा सर्कल सा बना हुआ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप देखो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली दुर्गा पूजा में ना ये बेस्ट रहेगी। बैक साइड आप देखो पूरा प्लेन है और इसमें ना इंटरलॉकिंग वगैरह भी हो रखी है, आप देख सकते हो इंटरलॉकिंग हो रखी है, ये ब्लैक है ना इसलिए दिखेगी नहीं आपको अच्छे से, तो मैं आपको, आप बोलोगे ना तो मैं अलग से क्लिप डाल के दिखा दिया करूँगी हर कपड़े की इंटरलॉकिंग, ठीक है, अगर इसमें दिख जाती है तो अच्छी बात है। तो ये हो गई प्योर कॉटन फैब्रिक, एकदम प्योर कॉटन, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और इसके साथ मुझे पैंट रिसीव हुई है, ये प्लेन ही है, ठीक है, ब्लैक कलर की, और इसमें आप देखो काफ़ी अच्छी इंटरलॉकिंग है, सॉरी काफ़ी अच्छी इलास्टिक है एंड इंटरलॉकिंग आप देखो कुछ इस तरह का इंटरलॉकिंग है। और ये आप देखो दुपट्टा 2.5 मीटर लेंथ है दुपट्टे की एंड इसमें ना सिल्वर कलर की गोटा पट्टी मिलती है और सिफॉन फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट आउटफिट दिखाती हूँ आपको, ये भी बहुत ही सुंदर न्यू अराइवल में था तो मैंने सोचा लेकर दिखा देती हूँ, ये ओल्ड कलेक्शन में चला जाएगा फिर मैं सोचूंगी छोड़ो हटाओ कुछ नया आ गया वो दिखाना ज़रूरी है। तो ये बहुत सुंदर सूट है, जैसा मैंने देखा था और मैंने सोचा था ना कि ये आएगी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। आप देखो लेमन येलो कलर होता है ना उस कलर में है और ये आप देखो यहाँ काफ़ी अच्छे वर्क है, धागे के वर्क है, ठीक है, जो जरदोसी वर्क होते हैं ना वो वाले वर्क है, पास से आप देख लो, और सीक्वेंस एंड जड़ी का वर्क है, सीक्वेंस एंड जड़ी का वर्क है और 3/4 स्लीव्स है इस पर, आप देखो लटकन वाइट कलर के पर्ल्स है एंड नीचे बॉटम में भी ना आपको वाइट कलर के पर्ल्स मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और सूट देखो आप, पूरी कुछ इस तरह की सूट है, बैक साइड आप देखो पूरा प्लेन है, ऐसे दिखेगी, हाँ पूरा प्लेन है, फ्रंट प्लेन नहीं है और फ्रंट में जो लटकन है ना ये बैक में भी है, ठीक है, ये वाले जो वाइट पर्ल है ये आपको बैक साइड में भी मिलेंगे और फ्रंट साइड में भी मिलेंगे। और इसकी मैं आपको इंटरलॉकिंग वगैरह दिखा देती हूँ उल्टा करके, और ये ना गाइस चिनॉन सिल्क फेब्रिक में है, ठीक है, और ये आप देखो ये हो गई उल्टा करके, और इस पर ना देखो, और ये आप देखो स्लीव्स में इनर का कपड़ा नहीं है, सी दोनों साइड स्लीव्स में इनर का कपड़ा नहीं है, इसमें आपको डोरी भी मिल जाता है बैक साइड में, और ये आप देख सकते हो बॉडी में इनर का कपड़ा है पूरा फ्रंट एंड बैक दोनों में ही, और यहाँ आप देख सकते हो इंटरलॉकिंग वगैरह भी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, हाईली रिकमेंड करूँगी। इसकी पैंट, ठीक है, बॉटम, और ये भी चिनॉन सिल्क फेब्रिक में है, सिल्क फेब्रिक में है, इसकी इलास्टिक आप देखो काफ़ी स्ट्रेचेबल है और थोड़ी टाइट भी है, और ये आप देखो इनर की फैब्रिक, इंटरलॉकिंग इसमें नहीं है, इसमें नहीं अंदर की साइड वाली स्टिचिंग है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, हाईली रिकमेंड करूँगी। अब इसकी दुपट्टा दिखा देती हूँ आपको,
दुपट्टा आप देख सकते हो, अगेन ये चिनॉन सिल्क फैब्रिक में ही है। एंड ये आप देखो, दो तीन कलर है इसमें, पिंक कलर है, ग्रीन है एंड वाइट है, ठीक है। ये तीन कलर में दुपट्टे का शेड है जो बहुत प्यारा लग रहा है। साइड से आप देखो कटी हुई वाली डिज़ाइन है, जड़ी एंड सीक्वेंस का वर्क है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये आप देख सकते हो गोटा पट्टी है साइड में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी लगी। दो जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, अभी मैं पूरा थक चुकी हूँ, एकदम हालत ख़राब हो चुका है मेरा। कॉर्ड सेट है गाइज, ये आप देखो कुछ इस तरह का ब्लैक कलर का है साइड, सॉरी ब्लैक साइड में है और यहाँ ना ब्लैक लेस है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और पूरा वाइट है, प्योर कॉटन में है, नीचे ना इस तरह की झालर वाली लेस है फ्रंट एंड बैक दोनों में। और इसमें इंटरलॉकिंग वगैरह भी हो रखी है, इसमें इनर की भी फेब्रिक है सी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, हाईली रिकमेंड करूँगा। ये आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रेचेबल इलास्टिक है, इसमें इंटरलॉकिंग वगैरह भी है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, जरूर ट्राई करना। ये थी गाइस मेरी आज की कलेक्शन, कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दें। मुझे ये भी जानना है कि आपको वीडियो इस तरह से देखना पसंद आया या और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा, मुझे प्लीज़ बता देना, क्योंकि आप फीडबैक दोगे ना उसी अकॉर्डिंग मैं काम करूँगी। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है कपड़ा इस तरह से तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कुछ और सोचूंगी, ठीक है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपकी फीडबैक के ऊपर ही ये चैनल बेस्ड है, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, जिस तरह से देखना पसंद करोगे ना मैं वैसे ही दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट इसी तरह की हॉल वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।